हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। टाइम 4:58। आज मैंने शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया है और आज धनतेरस है तो लाइट वाइट लगा रहे हैं हम। अभी जल्दी से दूध गर्म करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, पापा मतलब कॉफ़ी बना रहा हूँ, ऊपर जाके लाइटें लगानी है। कॉफ़ी बन गई, ऊपर जल्दी वरना आज कुटुआ में पापा चल रहेंगे कहाँ गया पे। अबे यार कितने ऊपर है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। 2 hours later लाइटें वगैरह तो पूरी हो गई है, अंदर की बाकी बची है, ये वाली लाइटें लगा देते। बाहर आ जल्दी, आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को लाइट दिखाता हूँ मैं बाहर से। मेरी मेहनत बहुत देर की। दिया हमने रख दिया है बाहर, एक दिया रखा जाता है आज। फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है। Oh my God! Wow! अभी नीचे और लाइटिंग करूंगा मैं, कल करूंगा, लेकिन इस पे भी लाइटिंग करूंगा। ये कुछ ऐसा लग रहा है, अभी ऊपर के दोनों जलेंगे, फिर वो दोनों जलेंगे, तो ओवरऑल कुछ अच्छा सा लगेगा ऐसा। अंदर तो पूजा वगैरह चली रही है, तो अंदर पूजा वगैरह को भी देखते हैं। यहाँ मंदिर बनते हुए, ऊपर मंदिर है, नीचे पूजा के लिए होगा पूरा, ये एकदम मतलब अगर ओवरऑल वैसे बात करें तो दिवाली आ रही है, मेरा फेवरेट त्यौहार है और एकदम काफ़ी हैपनिंग सा माहौल हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा सा एकदम, सब तैयारियों में लग गए हैं। आप भी अपने अपने घरों पे धनतेरस पे तैयारियों पे लग गए होंगे। आप में से कौन कौन क्या क्या लाया धनतेरस पे मुझे ये भी बताएं कमेंट करके। और मैं धनतेरस पे कुछ ला नहीं रहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो मैं दिवाली तक उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, तो अपने रहिए वो भी देख लेना। और हाँ, इसके लिए भी नए कपड़े आएंगे, मोटे 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 के लिए, इसके लिए नए कपड़े आएंगे। मंदिर की स्थापना धनतेरस पे, लाइट वाइट तो लगाओ यार मम्मी, इसमें लाइट लगाते हैं, इसमें भी कुछ करते हैं। ये अपने ही पेड़ के पत्ते हैं, बाहर लग रहा है जो। हम लोग बाहर आ गए क्योंकि रोशनी हो रही है बाहर काफी। ये देखो, इन दोनों को मेहंदी लगवानी है इसलिए आ गए ये दोनों, मेनली ये। अभी दिखाता हूँ मैं आपको पूरा। बीडीएन का मार्केट है ये। कैसा लग रहा है मम्मी मार्केट? ये यहाँ पे हर दिवाली पे सस्ता है, तो ये पूरा ऐसा लग रहा है पीछे से, बहुत मतलब शानदार चीज़। मतलब घूम के ही मजे आते हैं, पीछे गाने वगैरह चालू हो गए, साउंड काफी तेज है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। मेहंदी लगवाते हुए और लूटते हैं।
मेहंदी वगैरह लग गई है, मैं दिखाऊँ आपको। काफी अच्छा क्राउड है यहाँ पर, काफी अच्छा क्राउड है। शादी आएगी ना लगाने तो ऐसे करके दिखाओ ऐसे पीछे से ऐसे खड़ी है ये अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे रहे पापा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे रहे पापा। सो दोस्तों दिन कुछ इस प्रकार था, पूरे दिन आज हम काम में बिजी रहे, लाइटिंग वगैरह करी, बाहर गए, लाइटिंग वगैरह देखी। आज ऑल्दो सेकेंड डे है, आज छोटी दिवाली है। ये व्लॉग दिवाली वाले दिन आएगा, दिवाली वाले के नेक्स्ट डे आएगा। तो ये वीडियो छोटा सा है, इसको इतना ही रखते हैं। देखिए मेरा छोटा सा आप लोगों को मैसेज है, वैसे तो बम पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन होता है काफ़ी, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को फोड़ने की इच्छा है, आप लोगों के सेंटिमेंट्स है, इन्जॉय करते हैं, तो फोड़े, लेकिन लिमिट में फोड़े और नेक्स्ट डे एक पेड़ लगाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, किसी भी जानवर को हार्म ना पहुँचाए प्लीज़। जो मौज मस्ती में आप किसी जानवर के बगल में रख के फोड़ जाते हैं या और कुछ, वो बिल्कुल मत करिए, वो बहुत बुरा है, मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय का आपको मज़ा आता है, लेकिन इंसान की दुआ लगे ना लगे, जानवर की बददुआ ज़रूर लगती है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें, उन्हें प्यार नहीं करें तो उनको नुकसान भी ना पहुँचाए, इस बात का ध्यान रखें। पटाखे कम से कम फोड़े प्लीज़। बाकी आप लोगों को और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।